मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। लॉकडाउन चल रहा है और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देने वाला लॉकडाउन कहीं कभी किसी ने देखा हो ऐसा हमने नहीं सुना है। और जब ऐसे हालात बने तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उनके साथ प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के आह्वान पर समाज सेवी संगठन, समाज सेवी लोग, एनजीओ, गांव के यूथ, वो लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए और ज़रूरतमंदों तक राशन की सामग्री पहुंचा रहे हैं, सब्जियां पहुंचा रहे हैं। मेरे एक गांव में मैंने पूछा कि भाई हमें वितरित करने के लिए राशन पिसवाना है, गेहूँ पिसवाना है, तो उसने कहा भाई साहब मैं, आप राशन ले आइए, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं राशन खरीद सकूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से फ्री पीस दूंगा जितना राशन आप लाएंगे। इस तरह के बहुत उदाहरण मिल रहे हैं। लोग बाग सब्जियां हैं, राशन है और किट है, ज़रूरत की चीज़ है, ये वितरित कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने खजाने खोल दिए हैं, कुछ लोगों ने मनमानी शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने ऐसे दौर में कमाई का साधन खोज लिया है। अभी कल परसों में देख रहा था, फतेहपुर कोतवाली के थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने इस दौर में कालाबाजारी करने वाले लोगों को या देशद्रोही कहा था। उन्होंने कि ऐसे लोग देशद्रोही से कम नहीं है। 26 मार्च को जब मैं लक्ष्मणगढ़ से जाजोद के लिए निकल रहा था तो हमारे तिराए पे यहाँ सब्जी की दुकानें रहती है और भी बहुत सारी दुकानें रहती है, मैं अल्ताफ से कहूँगा दिखा। हाँ, ये ऐसा एक मार्केट है भीड़ में जो 24 घंटे आबाद रहता है, लेकिन जो बंद ऐतिहासिक है, जो लॉकडाउन है, उसमें इन लोगों को भी लॉकडाउन करना पड़ा। तो मैं बात ये कह रहा था कि सब जगह लॉकडाउन है, लेकिन ज़रूरत के सामान वाले जो लोग हैं उन्होंने इस बंद का, इस लॉकडाउन का गलत भी फायदा उठाया है और कालाबाजारी शुरू कर दी है। दुगुनी तिगुनी रेट पर लोग बाग सब्जियां हैं, राशन का वो सामान दे रहे हैं। हमने एक ऐसे ही व्यक्ति को पकड़ा है। ये लोग कहते हैं कि कितनी भी कीमत बता देते हैं और उसके बाद कहते हैं आज तो ये भाव है, कल हो सकता है इससे भी डबल हो जाए। तो ऐसा एक उदाहरण मेरे सामने आया लक्ष्मणगढ़ में, सब्जी के जो भाव हैं वो डबल करके बताए गए और हमने ख़रीदा भी, हमें ये कहा गया कि कल इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो हमने एक सब्जी खरीदी। तो भाई से हम जानना चाहेंगे कि भाई आपने टमाटर किस भाव से दिए थे। ये लक्ष्मणगढ़ सालासर तिराए का नज़ारा आप देख रहे हैं। हमने इनको समझाइश की कि आपने रेट से ज़्यादा पैसे ले लिए हैं और हमने दे दिए हैं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल सही लिए हैं, जो रेट है उसी के हिसाब से लिए हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि सही रेट क्या है, गलत रेट क्या है, बताएं। भाई साहब आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आपने मुझे टमाटर किस भाव से बेचे हैं? 40 रुपये का आधा किलो। जोर जोर से बताओ। 40 रुपये का आधा किलो दिया 26 तारीख को। 26 मार्च को ये टमाटर का भाव बता रहे हैं। बहुत सारे व्यापारी लोग, सब्जी के व्यापारी लोग भी देख रहे हैं। टमाटर का भाव यही है, 26 तारीख को 80 का भाव था, आज 60 का भाव है। आज 60 का है, आज 60 का भाव है। अदरक का भाव 200 है, अदरक का भाव 200 का है और आज टमाटर का 60 का भाव है और 80 का भाव। एक उपभोक्ता हमारे साथ है, आप बाजार से आए हैं रुपेंद्र सिंह जी, तो टमाटर वगैरह का अगर आपको बताओ, आपने कहीं पूछा तो आप बताएंगे कि आज क्या भाव है? भाई आज की मार्केट की रेट है वो 40 रुपये किलो टमाटर है। वो हमारे गांव में भी मिल रहे हैं। कौन से गांव में? जाजोद में मिल रहे हैं। ये इनकी मनमानी है, ये क्या रेट लगाते हैं वो पता नहीं। अभी हम सिक्कर से आ रहे हैं, वहाँ भी कोई रेट का कोई झमेला नहीं है, सभी मंडी का भाव बिल्कुल क्लियर रेट से दे रहे हैं। अब इनका क्या भाव है वो तो ये बता सकते हैं। हम कभी भी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जब आप लोग गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमने न तो इनको माल रिटर्न किया है, न वापस पैसा लिया, हमने सिर्फ उलाना दिया कि इस दौर में प्रशासन ये कह रहा है कि आप रेट सही रखिए। तो इन्होंने कहा नहीं, हम जो रेट दे रहे हैं वो सही है, यही कंसल्ट करना था और हमें राह चलते एक उपभोक्ता भी मिल गए, उन्होंने भी इस बात को प्रूफ किया है। आप लोग भी इस बात को प्रूफ करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। और इस दौर में मैं फिर आपसे अपील करना चाहूँगा, इनको भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सही रेट लगाएं, लोगों को रियायत नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी कमर नहीं तोड़ें, आटे में नमक जितना अपना प्रॉफिट कमाएं। और इस लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आप समर्थन करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कैमरामैन अल्ताफ खान के साथ लक्ष्मणगढ़ से मुबारक अली की रिपोर्ट।